हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टुडे आई एम हेयर विद योर नाइन्थ वर्कशीट फ्राम इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेस बट स्टूडेंट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे पहले सब्सक्राइब कर लें और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियोस को प्ले करते हैं तो उसके नीचे आपको ऐसे एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा आप इसको दबा दें और इसके दबाने के बाद इसके साथ ही एक ऐसा बेल आइकन होगा आप उसको भी प्रेस कर दें डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करने का या बेल आइकन को प्रेस करने का आपसे कोई चार्जेज नहीं लिए जाते ये बिल्कुल फ्री है हाँ इससे आपको एक फ़ायदा हो जाता है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड डालूँगी उसकी वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख बेनिफिट ले सकते हैं तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं इंडिया एक बिग पॉपुलेशन वाला कंट्री है यदि हम देखें तो वर्ल्ड वाइड चाइना नंबर वन पे है पॉपुलेशन में और सेकंड टाइम पे हम हैं जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है और उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है जॉब ना मिलना यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी अब आप सोच रहे होंगे मैं पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि यही तो हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है सो लेट्स गेट स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द करंट वेजि कैन नॉट फाइंड जॉब्स एक ऐसी सिचुएशन जिस में जो लोग हैं वो आज के वेतन के अकॉर्डिंग काम करने को तैयार हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है उन्हें जॉब नहीं मिल रही है तो उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं ये कई टाइप्स की होती हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या है सबसे पहले है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि ये तब होती है जब कोई व्यक्ति ईयर के कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में जॉब फाइंड आउट ना कर पाए यानी कि एक साल में मान लीजिए बारह सॉरी एक साल में बारह महीने होते हैं और मान लीजिए आपको काम मिला केवल आठ महीने नौ महीने बाकी के तीन या चार महीने आपको काम ही नहीं मिला तो दैट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अब ये मिलेगी कहां पर आपको ये मिलती है एग्रीकल्चरल फील्ड में सीड्स को सोन करने के बाद बहुत सारे जो लेबर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं उनके लिए कोई काम नहीं होता है जब तक कि वो क्रॉप बढ़कर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार ना हो जाए तो उस बोने के टाइम से लेकर के और हार्वेस्टिंग के टाइम तक का जो पीरियड होता है उसमें वो वर्कर्स व लेबर्स अनएम्प्लॉयड होते हैं और जैसे ही हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उन्हों उन्हें वापस काम पर रख लिया जाता है तो दैट तो इज़ जिस पर्टिकुलर महीनों में उन्हें काम नहीं मिला वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है उस टाइम पर वो कोई और काम ढूंढते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या फिर ब्रिक मेकिंग हो गई तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा वर्क वो करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और ऐसा ही आपको देखने को मिलता है टूरिज़म में टूरिस्ट जैसे अब इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले लें जब हमारे यहाँ पर गर्मी होती है तभी हम हिल स्टेशंस की तरफ टूरिस्ट बनकर जाते हैं ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पर भी बर्फ़ गिर रही है और हम फिर भी बर्फीले इलाकों में हिल स्टेशंस पर घूमने जा रहे हैं नहीं तो ऐसे ही उस विंटर सीजन में जब हिल स्टेशन के जो लोग होते हैं वहाँ पर जो टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता है आई होप मैं आपको क्लियर हूँ स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट वन है हमारी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डिसगाइज डिसगाइड मीन्स हिडन छिपा हुआ इसका मतलब है कि आपको लोग काम करते तो नजर आते हैं लेकिन वहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है अब आप सोचेंगे हाउ इट कैन बी पॉसिबल पॉसिबल है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक लेडी है स्वप्ना उसके पास छोटी सी लैंड है जिसमें वो अपने फाइव फैमिली मेम्बर्स के साथ काम करती हैं और इस लैंड से उन्हें अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वो उसे बाज़ार में बेच देती हैं और ये पांचों लोग मिलकर खेत में काम करते हैं अब उस गांव का जो बड़ा फार्मर होता है ज़मींदार होता है वो स्वप्ना के पास आता है कि उसे अपने खेत में दो लोगों की जरूरत है एज ए लेबर तो इन पांच में से दो लोग इस जमींदार के साथ उसके खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं अब इस छोटी सी लैंड पर काम करने वाले दो व्यक्ति बच जाते हैं सॉरी तीन व्यक्ति बच जाते हैं वो तीन व्यक्ति इस छोटे से काम खेत में काम करके भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं जितना जब ये पांच थे तब करते थे यानी कि लोगों की संख्या घटने पर प्रोडक्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है इवन इनकी फैमिली की इनकम बढ़ गई है वो कैसे ऑब्वियसली जो यहाँ से प्रोडक्शन आ रही थी वो सेम प्रोडक्शन आई है लेकिन ये जो दो लोग यहाँ पर एज ए लेबर काम करने गए थे ये अपनी सैलरी घर में ऐड करते हैं तो इनकी फैमिली इनकम इंक्रीज हो जाती है अब ये दो लोग जब ये पांच थे तब भी प्रोडक्शन सेम था अब तीन है तब भी प्रोडक्शन सेम है यानी इन दो लोगों की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं थी लेकिन जब ये पांच थे तो काम तो कर रहे थे बट इनकी ज़रूरत नहीं थी ये है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट लोग पांच थे काम करते नजर आ रहे थे लेकिन प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है जब इन दो को यहाँ से हटा दिया जाता है तीन भी उतनी ही प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी इन दो की जरूरत नहीं थी ये बेरोजगार थे अब इन्हें रोजगार मिला जमींदार के खेत में हेयर आर माई क्लियर स्टूडेंट्स डैट इज कॉल्ड द डिसम्प्लॉयमेंट नाउ है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये स्पेशली आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है क्यों देखने को मिलती है बहुत सारी यूथ ऐसी है जो मैट्रिक यानी कि टेंथ ग्रेजुएशन यानी कि ट्वेल्थ के बाद का जो थ्री इयर्स का कोर्स होता है वो और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन के बाद का दो ईयर की मास्टर डिग्री होती है तो इतनी सारी हायर क्वालिफिकेशन की डिग्रीज़ लेकर के भी स्टूडेंट्स जो यूथ है उसे काम नहीं मिलता है और वो छोटे छोटे काम ढूंढने को मजबूर होते हैं आपने देखा होगा जब भी कोई वैकेंसी निकलती है एक मान लीजिए एक प्यून की चपरासी है तो आपने कई स्कूल्स में देखा होगा कि जो प्यून होते हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं यदि इन केस आपने नहीं जाना है तो अब जब भी आपके स्कूल ओपन हो आपके प्यून की क्वालिफिकेशन जाकर पूछिए क्योंकि वहाँ केवल गार्ड करना है स्कूल को प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ पर टेंथ पास व्यक्ति भी जॉब कर सकता है लेकिन वहाँ पर ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी प्यून का काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक टैक्सी ड्राइवर है ये एक हाईली क्वालिफाइड लॉयर है बट जॉब नहीं है इसलिए इसको टैक्सी चलानी पड़ रही है तो इससे आपको एक बात समझनी होगी कि जब हम ऐसे जिस क्वालिफिकेशन के लिए हमारे अंदर जिस काम के लिए स्किल है और हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है हम उस काम को ना करके जब हम लोअर क्वालिफिकेशन और लोअर स्किल का काम करते हैं तो हमारे जो स्किल्स हैं वो डाउन हो जाती हैं डिक्रीज़ हो जाती हैं और इससे सबसे बड़ी बात जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो बेरोज़गारी होती है उससे जो हमारी मैन पावर है जो मैन पावर रिसोर्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं होप मैं क्लियर हूँ आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ईयर के पर्टिकुलर सीजन्स के सीजन्स में होती है कुछ मंथ हो गए उनमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आप काम कर रहे हो लेकिन वहाँ आपकी ज़रूरत नहीं होती है यदि आपको हटा दिया जाए तब भी प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है आपके पास हायर डिग्रीज हायर क्वालिफिकेशन है लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है आपको कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है आपकी क्वालिफिकेशन के नीचे आकर नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अन बेरोजगारी क्या होती है अन मतलब आपकी इच्छा नहीं है कि आप बेरोजगार बैठें आप घर में बैठें आप कोई काम ना करें आपके घर में कोई इनकम ना हो क्या कभी कोई ऐसा चाहेगा बिल्कुल भी नहीं तो वैसे ही इसे कहते हैं इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या आप बेरोजगार होना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आप बेरोजगार हैं वट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द पिक्चर स्पीक्स ऑफ वट शुड बी डन टू मिटिगेट यानी कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम आपको एक चित्र दिया गया है आपको एक पिक्चर दिखाई दी गई है जिसमें आपको बताना है कि ये किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और इसको दूर करने के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे थर्ड है कि ये जो पिक्चर uh, है ये क्या कह रहा है एंड डू यू थिंक द डिस्टेरियस डिप्रेशन ड्यूरिंग द कोरोना हैज इनक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन एट प्रेजेंट जो कोरोना पैनाडेमिक है महामारी है उसके दौर में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है आपको एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है सो दिस इज़ योर वर्कशीट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड आई हैव क्लियर ऑल द टॉपिक्स and thanks for watching my video if you like my video then share with your friends subscribe my channel and don't forget to press the bell button you have any doubt regarding the concept which i which we discussed today then you can comment to me like my videos stay safe stay healthy have a nice day